खबरें विस्तार से। युवा कांग्रेस के साथ विदिशा विधायक ने प्रदेश सरकार का फूंका पुतला। माधवगंज पर पुतला दहन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झूमा झटकी। माधवगंज पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के साथ हो रहे अपराधों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शामिल रहे पुतला दहन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी देखी गई। पुतला को बुझाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। विधायक ने कहा कि जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार और अपराध में एकदम से तेजी आई है। मेरा नाम राहुल रघुवंशी है। आज युवक कांग्रेस के द्वारा आज प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया है, जिसमें सभी युवा साथी हैं उपस्थित रहे और माननीय विधायक जी भी हमारे साथ उपस्थित रहे। और मैं आशा करता हूं मध्य प्रदेश सरकार से और अनुरोध भी करता हूं कि युवाओं को उनके लिए रोजगार स्थित हो और उनके लिए जो भी संसाधन है और जॉब वगैरह वो सब उनके लिए उपलब्ध कराएं। यही मैं केंद्र सरकार से और प्रदेश की सरकार से अनुरोध करता हूँ।